हेलो दोस्तों दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सट्रीम रोडवेज में। दोस्तों सॉरी खांसी। दोस्तों आज की अपनी जो ये वीडियो है कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं किसी चीज का प्रमोशन नहीं कर रहा, बट हमने खरीदा है एक हेलमेट। हम धीरे धीरे अपने जो राइडिंग गियर्स हैं उनको इकट्ठा कर रहे हैं। हमने पहले कैमरा लिया, फिर बाइक ली, अब हेलमेट खरीद लिया है ताकि हम आने वाले दिनों में अपना मोटो ब्लॉगिंग सेटअप कंप्लीट करके अपनी जो बेसिकली ये चैनल मैंने स्टार्ट किया था मोटो ब्लॉगिंग के लिए वो काम हम स्टार्ट कर सकें। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अपना हेलमेट और करते हैं उसकी अनबॉक्सिंग और उसका रिव्यू और उसके सारे स्पेसिफिकेशन अभी मैं आपको बताऊंगा कि यही हेलमेट मैंने क्यों खरीदा। तो अपना हेलमेट पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा हेलमेट है कौन सा। स्टड, जी हाँ, स्टड का हेलमेट मैंने लिया है और ये है स्टड का आपको फुल फेस हेलमेट है। ये शिफ्टर आप देख रहे हैं, शिफ्टर D1, जी हाँ शिफ्टर D1 ये हेलमेट मैंने खरीदा है, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन खरीदा है इसको। चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और आपको दिखाता हूं ये है कैसा। तो दोस्तों ये है अपने स्टड का शिफ्टर D1 जो हमने खरीदा है। और ये इस तरह कुछ पैकिंग में आता है, अंदर डब्बे के अंदर ऐसे बैग है ये, मतलब ये कवर है इसका हेलमेट का। और फाइनली ये है हमारा हेलमेट। आपको पहले मैं इसको पहन के दिखा देता हूं आपको, उसके बाद तो ये है दोस्तों स्टड का D1 शिफ्टर जो हमने अभी रिसेंट में खरीदा। सॉरी बाल खराब हो गए थोड़े हेलमेट के। दोस्तों अब मैं आपको इसके बताने वाला हूं इसकी स्पेसिफिकेशंस। सबसे पहले सामने से स्टार्ट करें तो इसके अंदर एक क्लियर ग्लास है और ये भी आता है ड्यूल डबल ग्लास है इसके अंदर। दूसरा एक वेंट यहां है एयर का और ये दो वेंट यहां भी है, एक येरा। ये ओपन, इस तरह से ओपन होता है, इस तरह से ये ओपन क्लोज, ये क्लोज ये ओपन, ये दो एयर वेंट ये भी हैं। और ये पीछे से हवा, अंदर से यहां से हवा आप अंदर आएगी इसके अंदर और यहां से एयर पास हो जाएगी। इसके जो फ्रेम है मतलब जो इसका जो ऊपर का टॉप है, जो इसका हार्ड कोर जो है ये ऊपर की काफी हार्ड है और इस पे बहुत ही सुंदर ग्राफिक्स है। मैंने कलर इसलिए लिया क्योंकि ये मेरी बाइक से मैच करता हुआ है, बाकी इसके अंदर 3-4 कलर और भी आते हैं। ISI सर्टिफाइड हेलमेट है दोस्तों। और जो इसके अंदर का कुशन है वो देखिए आप, कुशन बहुत ही अच्छा है। सबसे बड़ी बात, इसको रिमूव किया जा सकता है और आप इसको धो सकते हैं निकाल के, ये कुशन को ना निकाल के धो सकते हैं। और दूसरा इसके साथ ये एक वारंटी कार्ड है इसका स्टड की तरफ से वो है, और तो इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं जो मैं आपको बताऊं। दूसरी सबसे बड़ी चीज, ये हेलमेट जो है मेरे बजट में था, मैंने तब लिया। मेरा पहला मोटो ब्लॉगिंग है, मैं शुरू कर रहा हूं, मतलब मेरी शुरुआत है, तो शुरू स्टार्टिंग स्टार्ट के लिए मुझे ये हेलमेट सबसे बेस्ट लगा। लाइट इन वेट है, अच्छा स्टड का भरोसा है, हेलमेट बड़ा अच्छा है, पूरा डबल ग्लास है, पूरा मतलब एक कंप्लीट पैकेज है ये हेलमेट। आप इसको कह नहीं सकते कि ये एक स्टड का भारतीय कंपनी का हेलमेट है। पूरा ऊपर देखिए, इसमें यहाँ बाज के से वो दिए हुए हैं, तो ग्राफिक्स हैं, ये बड़ी अच्छी मतलब हेलमेट, आप बहुत ही फर्स्ट क्लास हेलमेट है ये। आराम से जो इसको ओपन क्लोज करने का है वो भी बिल्कुल सिस्टम, ये क्लोज किया और जस्ट इसको वन पुल से ये खुल जाएगा,
बहुत ही अच्छा इसका सिस्टम है खोलने का और इसको पहन के आया। 600 mm का हेलमेट है, काफी अच्छा है। मैं आपके बस फिट पहन के दिखा देता हूँ। ये देखिए मिलता पीक से बिल्कुल, मतलब अगर मैं अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप भी इस पे लगाऊंगा तो ये हेलमेट बड़ा फर्स्ट क्लास रहेगा। तो दोस्तों ये था मेरा शिफ्टर D1 स्टड का शिफ्टर D1 हेलमेट जो हमने खरीदा। बस यही नॉर्मल चीजें थी इसकी, ये इसका पैंट है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम इसके ऊपर अपने माउंट कैसे लगाएंगे, एक्शन कैमरा माउंट वगैरह हम लोग कैसे इसके ऊपर फिक्स करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले समय में जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ओके टाटा बाय बाय।